हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। और मैं अंकित कुमार आप सभी के लिए NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 9 कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स यानी कि प्रैक्टिकल सेक्शन की सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। यानी कि इस लेक्चर का नाम है फोटोग्रामेट्री यानी फोटोग्रामिति है फोटोग्रामिटी। और इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एयर फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेज। इन दोनों को ही हम देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है इसको देखेंगे और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको साथ ही बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर NTA UGC NET JRF ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्स, ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स विद आपको PDF मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ये PDF नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको डेली वीडियोस बिल्कुल फ्री में डेली मिलती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने लेक्चर के और चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को बस आप समझते चलेंगे और इनका मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में इससे आने वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं वो, बस आप इनका मीनिंग समझते चलिए, ठीक है। फोटोग्रामेट्री में से तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए फोटोग्रामेट्री क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फोटोग्रामेट्री इज़ अ आर्ट, फोटोग्रामेट्री क्या है, एक कला है, साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अब किस तरीके की इन्फॉर्मेशन, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भौगोलिक तत्व हैं, भौगोलिक तत्व हैं पृथ्वी के, स्थलमंडल के या फिर एनवायरनमेंट के, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको मेजर यानी उसको मापन करना, इंटरप्रेट उसकी व्याख्या करना, किस लिए, ताकि उसके पैटर्न को, ठीक है, उस पैटर्न को ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये डाटा को रिकॉर्ड करने का एक टाइप आप कह सकते हैं कि फोटोग्रामेट्री है, ठीक है। अब जिस तरीके से हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं उस फोटो जो वो फोटो किस तरीके से खींच पाती है, किस तरीके से वो क्लिक हो पाती है, जो ऑब्जेक्ट है सेंसर लगा हुआ है कैमरे में, ठीक है। सेंसर किसको सेंस करता है, जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस से जब एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी को कैमरे में लगा हुआ सेंसर सेंस कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज़ को सेंस कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, ठीक है, जो परावर्तित हो रही है अर्थ के सर्फेस से, उस एनर्जी को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो सिस्टम है जिसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, उसको मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे है, आप सभी जानते हैं कि जो कैमरा होता है, कैमरे की जो फोटोग्राफ होती है, उस फोटो में जितने जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो एक पेड़ हो, ठीक है, चाहे वो एक पेड़ है या फिर वो बिल्डिंग है, तो इन सब का भी एक निश्चित स्केल होता है। और स्केल क्या होता है कि धरातल पे जो दो बिंदु हैं उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कैमरे के जो फोटोग्राफ है उसके बीच की जो निश्चित एक अनुपात होता है, उन दूरियों के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट होता है, रिकॉर्डिंग होती है, इंटरप्रेशन होता है, अभी इंटरप्रेशन को हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेशन होता है, उस पैटर्न को समझा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, उस कैमरे के लेंस द्वारा जिसने रिकॉर्ड किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस पूरे सिस्टम या प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोग्रामेट्री यानी कि फोटोग्रामिति, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा इसका मीनिंग। और ये जो फोटोग्रामेट्री मीनिंग है, फोटोग्रामेट्री शब्द है, ठीक है, इस शब्द को सबसे पहले, इस टर्म को कॉइन किया था किसने, ए मेडेनबर्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मेडेनबर्ग 1889 में इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ एयर फोटोग्राफ एंड सैटेलाइट इमेज। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना कि किस तरीके से जो हमने इमेज ली है, जो हमने फोटोग्राफ लिया है, एयर फोटोग्राफ लिया है हमने, एयर फोटोग्राफ का मतलब है कि हवाई जहाज में से बैठ के या फिर बलून में से बैठ के हमने जो फोटो ऊपर से लिया होता है तो एयर फोटोग्राफ कहते हैं, क्योंकि एयर में से, हवा में से लिया गया फोटोग्राफ है, इसलिए उसे एयर फोटोग्राफ कहते हैं। अब उसमें कई सारे तत्व हो सकते हैं जिनका व्याख्या की जा सकती है, तो उन तत्वों को व्याख्या करने के लिए कई सारे उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं जिनको व्याख्या करना हर किसी के संभव की बात नहीं होती, कुछ ऐसे, लेकिन जो
एक ज्योग्राफर होता है उसको इन सभी तत्वों के बारे में एक फोटोग्राफ के नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, जिससे वो किसी फोटोग्राफ में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या करें, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो शेप के आधार पर किस तरीके से हम डेटा को समझ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकते हैं, शेप के आधार पर साइड है, उसकी साइज़ है, टोन, टेक्स्चर, शेडो, ठीक है, और हाइट, ठीक है, डेप्थ, इन सभी के आधार पर क्या है, डेटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है, सैटेलाइट इमेज को या फिर एयर फोटोग्राफ को इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या की जा सकती है। ये सभी माध्यम है किसी फोटोग्राफ को व्याख्या करने के। अभी किस तरीके से, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको इतना बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइज़ और शेप यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला है साइज, तो साइज़ मैं आपको बता दूँ, हर किसी जो एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम ऊपर से हमने यहाँ से कोई फ़ोटो लिया, तो हर ऑब्जेक्ट का साइज़ एक निश्चित अलग अलग होता है। जैसे कि ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक ऐसा है जो एक रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया है, निवास गृह है, यहाँ पे कोई निवास करता है, ठीक है, और एक तरफ ऐसा है कि यहाँ पे एक पूरी कंपनी है, तो इन दोनों के साइज़ में अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों के साइज़ में क्या होगा, अंतर होगा। एक यहाँ पे छोटा सा तालाब है, एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा डैम बनाया हुआ है, तो इनके साइज़ में अंतर होगा। तो इस तरीके से हम साइज़ को देखकर भी, एयर फोटोग्राफ में जो फोटोग्राफ है उसमें साइज़ को देखकर भी हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर शेप, शेप के किस तरीके से, तो शेप जो है वो आप देखेंगे, इस शेप से क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, पूछा गया था आपकी, क्योंकि आपको जो जलोड़ पंख होते हैं, जलोड़ पंख, ठीक है, यानी कि अलूवियल फैन, अलूवियल फैन को इंटरप्रेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उसका तत्व है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जलोल पंखों को समझा जा सकता है एयर फोटोग्राफ में, तो उसका आंसर था शेप, ठीक है। जो जलोल पंख होते हैं उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि उसे आप देख करके समझ जाएंगे कि एयर फोटोग्राफ में कि ये क्या है, जलोल पंख है। तो जलोल पंख की क्या डेप्थ से समझा सकता है उसे, नहीं। तो जलोल पंख की क्या उसके साइज़ से समझा सकता है, साइज़ तो उसका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो जलोड़ पंखा या फिर उसे टेक्सचर से समझा जाता है, यानी गठन से, नहीं। तो इनमें से ऑप्शन क्या है करेक्ट, तो जलोड़ पंख जो है उसकी आकृति से उसे समझा जा सकता है कि इसकी आकृति किस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, जो एक पर्वत होगा, यहाँ पर पर्वत के फुट हिल में एक बनी हुई निक्षेपण से आकृति, वो क्या कहलाती है, जलोड़ पंख है, तो इसे इसके शेप से समझा जा सकता है। टोन और शेडो, शेडो मतलब जो आभाएँ होती हैं, कितने शेडोज़ हैं उसकी, ठीक है। अब आप देखेंगे जिन सतहों से आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई रेतीला क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र, तो रेतीला क्षेत्र से क्या होता है, जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो रेडिएट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, तो ये रेडिएट हो गए एनर्जी जब यहाँ से चली जाती है, तो जब हम इसे का फोटो लेते हैं ऊपर से और ये एनर्जी जब आती है, तो ये पूरा एरिया कैसा लगता है हमें, क्योंकि अब जो ज़्यादातर एयर फोटोग्राफ होते हैं उनमें या ब्लैक या वाइट आती है फोटो, ठीक है, इतना हमें पता है, ठीक है। जो लेकिन जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर होते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं जिनमें वाइट या ब्लैक फोटो आती है, तो इसमें जब हम यहाँ पे हमने माना है कि यहाँ पे क्या एक रेतीला एरिया है, क्या है, रेतीला एरिया, तो उसका जब फोटो लिया जाता है, तो रेत के जो एरिया होता है उसका रंग नॉर्मली हम देखेंगे तो सफ़ेद हमें दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे उसके शेडो से, सॉरी शेडो नहीं, यहाँ पर ये टोन और शेड से, उसकी आभा से उसकी, कि यहाँ पर कैसा एरिया है, यहाँ पर आपको रेतीला एरिया दिखेगा। अगर यहीं पर अगर ऐसा वेजिटेशन वाला एरिया है, यहीं पर अगर फॉरेस्ट्री एरिया है, वनस्पति या फिर वन है क्षेत्र, तो यहाँ पर डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कैसा है, कि यहाँ पर कोई वन है, ठीक है, और यहाँ पर या फिर कोई जंगल है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बात करें वाटर रिसोर्स की, तो वाटर रिसोर्स में हम समझ जाएंगे, अगर गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहराई है, तो उसका जो कलर है वो अलग तरीके का होगा, वो नीला सा दिखाई देगा, और अगर छिछला पानी है, छिछला पानी, तो उसका कलर डार्क हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें कुछ जो उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा, ग्रे सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेड्स को भी देख के समझ जाएंगे कि ये जो यहाँ पे किस तरीके का इसमें इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारे, ये इसका एक इंटरप्रेट करने का एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्चर, टेक्सचर का मतलब होता है उसकी बनावट, इसकी बनावट किस तरीके की है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्सचर की जब हम बात करते हैं, तो हमें इतना समझ में आता है कि उसका प्रतिरूप जो है, उसका जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है, ठीक है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे
जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, झाड़ियाँ होती हैं, वन होता है, तो उनका टेक्सचर में अंतर होता है, ठीक है। अगर झाड़ियाँ हैं तो वो छोटे छोटे इस तरीके से लाइनिंग से हमें ऊपर दिखाई देगी, अगर वो वहीं पर अगर बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ पर वो जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी इस तरीके से, सॉरी, जो पेड़ हैं वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सघन हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्सचर हमें इंटरप्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। शेडो, शेडो से हम किसी चीज़ की भी, किसी लोकेशन की, किसी अगर हमें शेडो से हमें अगर इंटरप्रेट करना है, तो शेडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। कैसे? शेडो से हम किसी भी चीज़ की इवेल्युएशन, उसकी लंबाई हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना लंबा है, कितना गहरा है। अगर किसी चीज़ की शेडो दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। अगर उसकी शेडो नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो गहराई है, वहाँ पे खड्डा है, वहाँ पे गर्त है, ठीक है। इस हिसाब, और एक और चीज़ शेडो इम्पॉर्टेंट है, अगर शेडो की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा ऊँची है। शेडो की टाइमिंग, अगर हम फोटोग्राफ का लिया गया टाइमिंग अगर हमें पता है, अगर हमें उस एरिया का अक्षांश से विस्तार अगर हमें पता है कि किस अक्षांश पे है, ठीक है, तो इस चीज़ से, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो परछाई है उसे देखकर हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं कि किस उसका डायरेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, उस एरिया का हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ के बारे में हमने बात कर ली है कि हाइट और डेप्थ परछाई से हम किसी भी एरिया के हाइट और डेप्थ का पता कर सकते हैं। और एसोसिएशन का मतलब है कि एक जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक फिनोमिना होता है, वो दूसरे फिनोमिना से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक यहाँ पर एक सेटलमेंट एरिया है, यहाँ पर कोई ऐसा घर है जो बिल्कुल सेटलमेंट से बहुत अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रोड इस तरीके से आकर के, एक रास्ता, एक मार्ग यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है। अब यहाँ पर जो है फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर ये सेटलमेंट ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रास्ता आकर के समझ रहा है, तो हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा घर है जो कि इस फॉरेस्ट के कारण यहाँ पे छुपा हुआ है और फोटोग्राफ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये रोड जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा। ये इस काम में भी मददगार हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई, अगर हम आर्मी का, आर्मी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सैनिक विभाग में, कि यहाँ पर किसी भी एक ऐसी छावनी हो सकती है दुश्मनों की, जो कि यहाँ पर सरफेस के नीचे जिन्होंने अपना बंकर बनाए हुए हैं, और यहाँ से कोई रास्ता जा रहा है, इसका मतलब वो, और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास दुश्मनों की छावनी लगी हुई है। तो इस तरीके से फ़ोटो को इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और एनालिटिकल बेस्ड होते हैं, आप उनको एनालाइज करके भी समझ के और अपना आंसर दे सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़, एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं, और उनको, उन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उनमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनको, जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी हो सकती है, इसलिए उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अब ये चीज़ें आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझी हैं कि किस तरीके से शेड से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और लिए गए फोटोग्राफ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उनको अपने काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पसंद आएंगी। इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।